हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। शहर वही फरीदाबाद, पुलिस वही फरीदाबाद पुलिस। लगातार आज दूसरी चोरी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मालिक ये सोच के घर हरिद्वार जाता है कि मुझे गंगा जा रहा हूँ, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अपने सोच के निकल रहा होता है। आपको बता दूं, फरीदाबाद में चोर इतने शातिर हैं। जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको एक खबर दिखाई, उससे मात्र मान के चलिए मुश्किल से मुश्किल आधा किलोमीटर दूर पे, ये वही थाना क्षेत्र पड़ता है, वही चौकी पड़ती है जो अभी पहले खबर देखी, मतलब सेक्टर 16 की चौकी पड़ती है। इसमें भी यहाँ पर ये दूसरी चोरी है, पूरे फरीदाबाद शहर में लगातार ये दूसरी चोरी आज की है। मालिक गंगा नहाने जा रहा होता है, पीछे से चोर, आपको बता दूं, राशन डिपो में घुसते हैं और तमाम गेहूं की बोरियां निकल लेके चले जाते हैं। सोचिए हालात कैसे गंभीर हो रहे हैं, लोग गेहूं चुरा रहे हैं, लोग पैसा जेवरात के साथ साथ इस वक्त खाने के लाले पड़ रहे हैं, लगता है कि लोगों को गेहूं चुराने की आवश्यकता पड़ रही है, ये इतने गंभीर हालात हो चुके हैं। कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप ही के नाम से पहले अपना नाम बताइएगा। डिपो आप ही का है सर? नहीं, डिपो मेरे चाचा के नाम पे है। क्या पूरी वारदात हुई थी, घटना कब की है और क्या चोरी हुई सर? ये कल की घटना है सर। मैं एक्चुअली, मेरे पास एक सीमा नाम की लेडीज है यहाँ पर, उनका कॉल गया था कि जी भैया आपके यहाँ पर ताला टूटा हुआ है और गेहूं नहीं है। फिर वो अंकल जी हैं सामने, अपने अंकल जी जो बैठे हुए हैं, इनसे इनका फोन भी गया, मेरा फोन स्विच ऑफ था। तो फिर छोटे वाले भाई का कॉल गया मेरे पास, मैं उस टाइम में मंसूरी में था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि गेहूं कट्टे एक भी नहीं है। भाई ने पूछा कितने कट्टे थे, मैंने कहा 27 कट्टे थे। तो कह रहा भैया सारा साफ हो चुका है, ताला मैंने, ताला कहाँ है, ताला भी नहीं मिला था, ताला भी वो लोग कहाँ ले गए ताला वाला, और उन्होंने शटर वटर निकाल के सारा सामान ले गए जी। वो तो क्या कितना चोरी हुआ है, गेहूं की कितनी बोरियां चोरी है, कितने की लागत होगी? करीबन होगी जी 25 से 30 हजार रुपए, और 27 कट्टे थे जी। अच्छा, तो क्या लगता है, क्योंकि रास्ते का तो आपका जो देख लिया रास्ता, तो आपका फूलों से बिछा हुआ रास्ता है यहाँ पर, क्योंकि आपका रास्ता भी मैं दिखाऊंगा। दरअसल आपको बता दूं, सरकार कितनी लापरवाह है, पार्षद कितने लापरवाह है, सरकार भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ फूलों से भरा हुआ है रास्ता, इतना भयंकर रास्ता है। तो क्या लगता है सर, ऐसे हालात आ गए हैं कि लोग गेहूं चुराने लग रहे हैं, क्योंकि सोना चांदी के साथ चोरी कर ली तो आई गई जी। बिल्कुल, सरकार की पूरी कमी है इसमें, पूरी कमी सरकार की। पुलिस आई थी, आपने उनको बताया क्या था? पुलिस वाले मेरे को आश्वासन दे गए हैं कि जी आप चौकी में आ जाना, फिर हमसे बात कर लेना आकर। आपने एफआईआर वगैरह कुछ करी? अभी तक एफआईआर नहीं करी, मेरे को दो या तीन बजे का टाइम दिया गया है, पुलिस ने बुलाया वहाँ पर मेरे को। चलिए, और अंकल आपको जानकारी सबसे पहले मिली थी क्या था? थोड़ा अंकल जी खड़े हो जाएं, क्योंकि वहां तक माइक नहीं पहुंचेगा। अगर जानकारी मिली, क्या जानकारी थी, क्या पता चला था आपको? सुबह घर से आया तो मैंने देखा यहाँ ताला टूटा हुआ है। ताला टूट के फिर मैंने देखा तो एक यहाँ पे सीमा मेरे पड़ोस में है, मुझे से पहले उन्होंने देखा था, उसके बाद मैंने देखा था। अच्छा। तो फिर मैंने इसका शटर उठा के देखा तो बोरियां साफ थी, इसमें एक भी बोरी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने इनके पास फोन किया, फोन करने के बाद इनके छोटे वाले भाई साहब आए थे, वो देख के गए, वो इधर उधर घूमे भी, भगे भी, वीडियो वगैरह में इसमें वो इस कैमरे में भी चेक कराया, कैमरे में भी नहीं आया। तो उधर उधर चार तरफ घूम के देखे तो कुछ नहीं मिला उनको। हाँ जी, फिर आपने जब फोन किया तो किसको सबसे पहले आपने फोन किया था? पहले दिन भाई साहब को किया था, योगेश भाई साहब को। हाँ जी, फिर इनके छोटे भाई को किया था फोन। अच्छा। हाँ जी, तो इसमें खुला अनाज था वो भी खत्म है, और जो बोरिया थी वो भी खत्म है। चोरों को लगता है कि खाने पीने का राशन मिल रहा है, तो राशन तो आपकी भी राशन की दुकान थी, आपकी राशन की दुकान से वो गेहूं, उसे तो और मेहनत करनी पड़ेगी, पिसवाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, मेहनत सारी लगेगी, उसके बावजूद मतलब आपकी सेफ थी? ऐसा है ना, मेरी दुकान में तो सिर्फ 5 रुपए का सैंपल या 10 रुपए की चीज मिलती है, वहाँ तो पूरे इकट्ठे गायब हुए हैं, कोई 1500 कट्टा, 1000 कट्टा। तो जाहिर सी बात है, चोर तो वही चोरी करेगा, उसको मोटा मिलेगा, है नहीं? तो क्या आपको यहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है कि ताकि पता चला कि इससे पता चल पाए इलाके में? नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कुछ भी नहीं है जी। बारिश हम देख रहे हैं कि घर भी बने हुए हैं, क्या इन घरों में कोई नहीं रहता? रहते हैं जी, पर लेकिन वो भीख मांगने वाले लोग हैं, वो रहते हैं जी। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आपको बता दें, इस वक्त मैं पहले तो वो रास्ता दिखा दूं जो सुनहरा रास्ता है, कहते हैं फूलों से बिछा हुआ है। शायद ही फरीदाबाद में अगर कहा जाए तो ऐसे रास्ते आपको कहते हैं कि फरीदाबाद की छवि को बताने के लिए बहुत है कि किस तरीके से हालात पैदा हो जाते हैं और लोग निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये हमारी स्टोरी का एंगल नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि चोरों को ये रास्ता मिल जाता है, क्योंकि यहां से आम पब्लिक तो निकलेगी नहीं, अगर आम पब्लिक आएगी भी तो डर के मारे इधर उधर नहीं जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, अगर हम भी यहां से निकलते हैं तो कंफर्म है कि पैरों में सनेंगे, कीचड़ वीचड़ से भरा हुआ पूरा रास्ता है। तो आपको बता दूं, बारिश का सीजन था, बारिश चल रही थी, और बारिश के दौरान ही चोरों को मौका लगता है और यहां पर ये डिपो साफ कर देता है। डिपो दिखा देते हैं आपको, ये डिपो है। डिपो किसके नाम से है? मैं प्रकाश,
हम तो एक तो क्या कहते हैं चश्मे लगाने वाले आदमी है तो चश्मा जरूरी पहनना पड़ता है। हम ये है कि प्रकाश वीर डीएच संत नगर का है और ये सस्ते राशन की सरकारी दुकान है, एनआईटी फैदाबाद लिखा रहा है, इसमें साफ साफ है प्रकाश वीर के नाम से, संत नगर है ये फैदाबाद का। आप बताओ फैदाबाद विधानसभा है ये, आपको अंदर जा सकते हो भाई जी? हाँ ठीक है, ये आपको बता दूं, ये डिपो बाहर से, बाहर से ये डिपो है पूरा, आपको बता दूं गेहूं की यहाँ बोरियां रखी होती है, पूरा डिपो भरा होता है, उसके बाद यहाँ से डिपो से गेहूं लेके फरार हो जाते हैं। ये अंदाजा लगाइए, ये गेहूं है आप मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं कि लोग बाग गेहूं की चोरियां कर रहे हैं, क्योंकि चोरों को या तो बहुत सारी चीजों के अगर बता दूं, चोर भी आज के टाइम पर हाईटेक की बजाय छोटी छोटी चोरियां भी कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। अभी फिलहाल के तौर पर कुछ देर पहले हमने एक और चोरी दिखाई जिसमें एक दुकान में, एक वर्कशॉप में, कैची की वर्कशॉप थी, उसकी छत को काटते हुए उसके अंदर चोरी करते हैं, फिर दूसरी बार बगल से लगती हुई, ये बीप एक बार कम हो जाए क्योंकि बगल में आपको बता दूं रेलवे स्टेशन की लाइन है, ये बाउंड्री आप जो देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की है। आपको बता दूं कैची का जो वर्कशॉप था उसकी दीवार के बगल जस्ट लगती हुई दीवार, मोबाइल शॉप की थी उसकी दीवार को तोड़ के अंदर का मोबाइल शॉप से भी पूरा सामान चोरी करके चोर ले गए। अभी का वाक्य है, कुछ देर पर यहाँ से आधे घंटे पहले, आधे किलोमीटर दूरी की ये घटना है, ये वो घटना है, ये संत नगर का एरिया है। संत नगर में एक राशन की डिपो की दुकान पर एक बार दोबारा जान लेते हैं। सर क्या लगता है, सर गंगा नहाने जा रहे होते, गंगा उधर से नहा रहे आते हैं, पुण्य वहाँ मिल रहा होता है और यहाँ से प्राशित यहाँ होता है? यहाँ बढ़िया काम हो गया, बढ़िया घूमिया है, भगवान करे सर दोबारा गंगा जाएंगे ही ना, यही करेंगे दोबारा गंगा जाएंगे ही ना, आपकी बार मिल गए 30,000 रुपए नुकसान हो गए। भगवान का दोष नहीं है तो प्रशासन का भी दोष है, पूरा दोष है जी, कर्मचारी का दोष है, पूरा दोष है। ये रोड सही होती तो लोग बाग यहाँ जा रहे होते तो कम से कम कोई रुकता सही, अब डर के मारा कोई लोग गाड़ी लेके नहीं आते यहाँ पर, गाड़ी फंसना जाए इस वजह से सब इधर की इधर से दोनों तरफ से निकल जाते हैं लोग, बीच में कौन आएगा, इस हमारे चोरों की हिम्मत बढ़ रही है। मतलब आपको लगता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, एमसीएफ के लोग हैं या पार्षद लोग हैं, अगर वो सड़क सही बना देते तो यहाँ से लोगों का आवाजाही होती, बिल्कुल होती, यहाँ पर रास्ता शांत था और बरसात की वजह से कीचड़ वैसे लबालब है वैसे भी, तो आपको लगता है कि चोरों को पूरा मौका मिला? मिला, बिल्कुल मिला। तो इसमें किसको सबसे जिम्मेदार मानते हैं, पुलिस को या एमसीएफ प्रशासन को या पार्षद को, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? एमसीएफ और प्रशासन को। अच्छा, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं? पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस कहती है जब सुबह मेरी पुलिस से बात है, पुलिस कहती है हम कीचड़ से दूर आते हैं, कीचड़ में आते ही नहीं है जी, यानी कहीं ना कहीं उनको डर भी है कि यार हम हमारी गाड़ी फंस जाए इस वजह से नहीं आते हो। बात सही है, गाड़ी सबकी खराब होगी, कोई भी गाड़ी आएगी धक्का लगाने पड़ जाएगा। चलिए एनीवे, तो तमाम जितने भी आप साथी आप देख रहे हैं शहर की दूसरी चोरी है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, भगवान न करे शहर में कोई ऐसी तीसरी फिर ऐसी कोई चोरी वोरी की वारदात आज पूरे दिन सुनने को मिले, क्योंकि बारिश का सीजन है, लोग घरों में हैं, रविवार का दिन है, शांत है, लेकिन जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, लगातार चोरियों की वारदात आ रही है, वो कहीं ना कहीं निशानदेही पैदा करती है प्रशासन पर, पुलिस पर और खासकर उन नेताओं पर जो इस तरीके की सड़कें जनता को देते हैं, जहां से आवाजाही लोग डर के मारे नहीं कर पाते और चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, उन्हें पता है अगर हम यहां से चोरी करेंगे कोई आएगा नहीं, गाड़ी लेके पुलिस आएगी नहीं, जब तक आएगी गाड़ी फंसेगी, पुलिस उतर कर जब तक आएगी तब तक वो यहां से फरार हो जाएंगे। तो ये सोच के चलिए प्रशासन के उन पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये उनकी देन है। साथ ही आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।